कभी आ जाए हो सकता, बिल्कुल आए ना पूरी लाइफ में आपके न्यूनाटिक का ट्रायल। आम काम तो आप रूटीन में कर रहे होते हो, इसलिए आप टेकअप करते हो, आपको पता होता है चीज़ें क्या चल रही, रीडर को भी पता है, स्टैनो को भी पता है, लेकिन ये ट्रायल ऐसा है कि इसमें आपको अपने आप को जब भी आएगा पूरी दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी, रिफ्रेश करना पड़ेगा कि इसकी अपनी टेक्निक्स हैं, अपने टूल्स हैं, और जहाँ पे भी आपने थोड़ी सी कोताही या गैर जिम्मेदारी शो की तो सारे का सारा ट्रायल आपका जो है वो विशिएट हो जाएगा आगे जाके। तो इसलिए इसको ज़रा थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा तवज्जो से देखिएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि इसको ले के कैसे चलना है। देखिए सर, सबसे पहले तो जी ल्यूनेटिक है क्या, यू मस्ट अंडरस्टैंड। वैसे दुनिया में ये लफ्ज़ चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो एक नया लफ्ज़ अभी पीछे, बल्कि ये इस पर हमारे हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई है, और ये कहते हैं कि लफ्ज़ जो है ल्यूनेटिक ये इट्स सेल्फ एक या अनसाउंड ऑफ माइंड, या जिसको आप कहते हैं पागल आदमी या मैड, ये कहते हैं ये लफ्ज़ इट्स सेल्फ एक बड़ा एक स्टिग्मा है एक बंदे के लिए, तो इसको चेंज किया जाए। तो वो कोई कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ इस तरह का इंडिया में चल रहा है कि चाइल्ड अपना पर्सन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ, वो एक अलग बात है। पर ल्यूनेटिक की जो सिंपल मीनिंग है, चूँकि CRPC में डिफाइन नहीं है, PPC में डिफाइन नहीं है कि ल्यूनेटिक है कौन, इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो ओरिजिनली रेफर्ड मेनली टू एपिलेप्सी एंड मैडनेस एंड डिजीज, दो टू बी कॉस्ड बाय द मून। अब ये तो मैंने इसलिए निकाला ये लफ्ज़ मीनिंग कि इसके अगर बैकग्राउंड में जाएं कि ये ल्यूनेटिक का जो लफ्ज़ है ये आया कहाँ से है, और क्यों ल्यूनेटिक का लफ्ज़ पागलपन से जोड़ा गया है, इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत डीप स्टडी है जिसमें मैं नहीं जाऊँगा। और वो ये है कि अगर आपने कभी ये चीज़ महसूस की हो और आपने पढ़ी भी होगी, द फुल मून इंड्यूसेस इनसेन, इट इज सेड दैट द फुल मून इंड्यूसेस इनसेन इंडिविजुअल्स विद बाइपोलर डिसऑर्डर बाय प्रोवाइडिंग लाइट ड्यूरिंग नाइट्स विच वुड अदरवाइज हैव बीन डार्क एंड इफेक्टिंग ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स थ्रू द वेल नोन रूट ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन। कभी आपने अगर वाइल्ड लाइफ मूवीज देखी हो तो उस वाइल्ड लाइफ मूवीज़ में पर्टिकुलरली इनके हवाले से जो भेड़िया होता है, इसको वाइल्ड डॉग कहते हैं, ये रात को एक बड़ी, आपने देखा होगा, एक चट्टान पे खड़ा होकर घप अंधेरे में चांद की तरफ मुंह करके बड़ी एबनॉर्मल आवाज़ें निकालता है, कभी नोटिस करें इसको। वो इसकी अपनी जो ओरिजिनल आवाज़ होती है इस वाइल्ड डॉग की, वो नहीं होती जो ये चांद को देख के रात को निकालता है। इट इज़ कॉल्ड क्रेजीनेस, कि आपने देखा और आप पे वो सहर तारी हो गया, वो माहौल तारी हो गया कि आप आउट ऑफ माइंड हो गए, और वो आउट ऑफ माइंड होना इनफैक्ट जो है ना, दैट इज ल्यूनेसी। तो ये लफ्ज़ ल्यूना से निकला है, ल्यूना कहते हैं चांद को, इसको मैं आगे कर देता हूँ। ल्यूना जो है चांद की एक किस्म है, तो वहाँ से निकला ल्यूना, कि जब वो चांद को देखना, उसका वो पागलपन हो जाना, आउट ऑफ माइंड हो जाना, तो उससे फिर लफ्ज़ निकला ल्यूनेटिक। ये ग्रीक ज़माने में सारा कुछ था, ये बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी बाद स्टडी करें। वो हम एक बचपन में एक शेर सुनते थे और हमें बड़ा चैलेंज के तौर पे वो शेर दिया जाता था कि इसकी ट्रांसलेशन करें, और वो शेर होता था कि मगस को बाग में ना जाने दो, खून नाहक परवाने का बहेगा, परवानों का या परवाने का बहेगा। अब मगस कहते हैं शहद की मक्खी को, अब वो हमें कहना इसकी ट्रांस, वो यार कि क्या अजीब सी बात है कि शहद की मक्खी को ना जाने दो और परवाने का खून बहेगा, ये क्या, व्हाट इज़ द रेलेवेंसी। वो फिर हमें बताया करते थे उस्ताद मोहतरम कि देखें, जब शहद की मक्खी जाती है बाग में, वो फूलों से रस चूसती है, रस चूस के जाके वो शहद बनाती है, शहद निकालते हैं, शहद से मोम बनते हैं, उससे मोमबत्ती बनती है, उससे आग लगती है, उससे परवाना आता है, मर जाता है। ऐसा ही था, याद है आपको? हाँ, मेटाफिजिकल। तो ये इसी तरह ल्यूनेटिक जो है ना, ये इनफैक्ट अगर आप इसकी जाएँ डेप्थ में, तो ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसकी फिर अपडेट फॉर्म आते हैं, डिवेलप होता रहा। तो ओरिजिनली इट मीन्स समवन हु वेंट क्रेजी विद वेरी फेज ऑफ द मून काइंड लाइक ए वेयरवुल्फ। अगर आपने माइकल जैक्सन का थ्रिलर देखा हो, जो उसका पहला सॉन्ग आया था शुरू के सॉन्ग में, जो उसका दुनिया में बड़ा हिट हुआ था थ्रिलर, जिसमें वो
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है रात को और वो उसको एक अंगूठी पेश करता है तो अचानक जो चांद से बादल हटता है, रोशनी नमूदार होती है और वो उस क्रेजीनेस में चला जाता है और फिर एकदम से उसकी जो ही बिकम्स वाइल्ड लाइक वाइल्ड एनिमल, उसकी वो प्रेजेंटेशन की है, कभी आप देख लेगा थ्रिलर इज़ ए फेमस सॉन्ग, उसको उन्होंने वहाँ पे पेस्ट किया उस सिचुएशन को। बरल तो ये वो पोजीशन है जो चलती है उसके लिए। अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में कहें कि ल्यूनेसी है क्या, क्लिनिकली इनसेन पीपल, मोर ऑफन दिस इज ए स्लैंग टर्म्स यूज मेनली इन एग्जेजेशन फॉर एनी वन हु सीम्स वाइल्ड एंड आउट ऑफ कंट्रोल। पागलपन यही है ना, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसने जो करना है वो करना है, यू कांट स्टॉप हिम, फोर्स कर लें जो मर्जी कर लें, वाइल्ड वैशी हो जाना, जंगलीपन आ जाना, कुछ भी होना। तो पागलपन में तो इंसान को पता ही होता है क्योंकि सेंस ही काम नहीं कर रहे होते, इसलिए ये टर्म्स दी गई कि जो आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल होता है इसका माइंड प्ले नहीं कर रहा होता, जिसका माइंड के जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल जाके जीरो हो जाता है या करप्ट हो जाता है, तो वो जाके क्या करता है वो फिर वर्ड। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ल्यूनेटिक। अब हम चलते हैं इसके ट्रायल की तरफ। सर प्लीज। हाँ, इस पर भी आते हैं हम आगे, पीरियोडिकल इंसैनिटी और परमानेंट इंसैनिटी, इस पर आगे चल के बात करेंगे। जी कौन से एक्ट में? हाँ, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। इडियोसी जी हाँ। इडियोसी में जो आपसे करूँगा, इडियोसी इनफैक्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ ल्यूनेसी, ल्यूनेसी की बेचाहता फॉर्म है। ल्यूनेसी एक बड़ा कंपोजिट वर्ड है, जब आप इसकी उसमें जाते हैं डेफ जो आगे शेयर करूँगा कि ल्यूनेसी की कौन कौन सी इकसाम है, तो आपको बेताशा उसके आपके काइंड्स मिलेंगी। एंड ऑल और ऑल फेल इन ल्यूनेसी, इवन स्टूपिड बिहेवियर जो है, स्टूपिडिटी जो है, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ल्यूनेसी। अब आपने कहा ना इनडिसेंसी, उसमें इस्तेमाल हुआ है। अब इनडिसेंसी इनसेल्फ डज नॉट मीन ल्यूनेसी, लेकिन ल्यूनेसी का एक पार्ट ऐसा होता है कि आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि आप इतने इनडिसेंस हो जाते हैं कि आपको पता नहीं लगता कि आप बात क्या कर रहे हैं, उसका नुकसान क्या हो रहा है। तो वो आगे चल के आपसे मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली ल्यूनेसी को नीचे उसकी ब्रांचेस में आ रही हैं सारी, ठीक है। पहले तो हमें ये करना है कि ल्यूनेसी जो है उसके ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए दो, यू हैव टू फेजेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक होती है ल्यूनेसी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जब एक एक्यूज्ड प्लीड करता है कि एट द टाइम ऑफ अकरेंस आई वॉज अंडर सच ए सिचुएशन कि आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ माई एक्ट, मुझे पता ही था, मैंने उठाया और गोली मार दी किसी को। एक पोर्शन वो है आपकी ट्रायल के हवाले से, और दूसरा पोर्शन ड्यूरिंग ट्रायल। जो पहला पोर्शन है वो लीड, वो उसका टाइम आएगा जब जब आप केस को एक किसी लॉजिकल एंड पे लेके जाके केस के डिसीजन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत बड़ी रुकावट क्रॉस करनी है। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप इसके फेज वन को क्रॉस नहीं करेंगे आप फेज टू तक पहुंच ही नहीं सकते। अब फेज वन क्या है? फेज टू फाइनल स्टेप है। अब फेज टू मैं प्रैक्टिकली आपको लेके चलता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि शायद वो इतना सीआरपीसी पढ़ने से समझना है आपको, सेक्शन 464 से लेके 474 तक एक पूरा प्रोसीजर दिया है, बट इट कैन नॉट गिव यू दी अंडरस्टैंडिंग लाइक आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ। आई गिव यू एक वेरी लाइव एग्जाम्पल। आप कोर्ट में बैठे हैं, यू आर हैविंग ए ट्रायल इन योर कोर्ट, आपके पास एक मुलजम आ गया। अब मुलजम जब आ गया तो उसके बिहाफ पे एक प्ली आ गई कि ये पागल है, ये इंसेन है, एंड ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स। दिस क्वेश्चन हैज बीन रेज बिफोर यू, और ये क्वेश्चन कोई भी शख्स रेज कर सकता है, एक्यूज खुद, उसका रिलेटिव, उसका काउंसल, इवन द कोर्ट इटसेल्फ कैन टेक दिस क्वेश्चन व्हाइल लुकिंग द बिहेवियर ऑफ द एक्यूज्ड। अब जब आपके सामने ये सवाल आ गया कि ये बंदा इनसेन है या पीरियोडिकल फिस्ट में आता है, जिसको आगे चल के डिस्कस करूँगा, तो पहला जो आपके जहन में रुकावट आएगी वो ये सवाल पैदा होगा कि ट्रायल किस शख्स का हो सकता है। जी, ट्रायल उसी शख्स का हो सकता है जो प्रोसीडिंग्स को अंडरस्टैंड करता हो, जो अपना डिफेंस क्रिएट करने में कैपेबल हो, जो अपने वकील को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हो,
जो एक आम हालात में आम आदमी की तरह परफॉर्म कर सकता हो उसी का ट्रायल होता है। अगर एक शख्स प्रोसीडिंग्स को समझ ही नहीं सकता तो आप क्या एविडेंस रिकॉर्ड करोगे, आप क्या चार्ज फ्रेम करोगे, क्या उसकी प्ली रिकॉर्ड करोगे, क्या 342 करोगे, यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज उसको पता ही नहीं। तो अब आपके सामने सवाल ये पैदा हो गया कि ये शख्स ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को समझ नहीं सकता। जब ये सवाल पैदा हो गया अब आपकी जिम्मेदारी बन गई पहले इस बात को तय करना कि क्या ये फिट है कि नहीं टू फेस द प्रोसीडिंग्स। जी सर, '84 पे हम बाद में आएंगे, 84 रिलेट करता है एट द टाइम ऑफ अकरेंस। एक बंदा जिस तरह ने बात की पीरियोडिकल फिस्ट की, जो मैं रुक रहा था लेकिन आपने कर दी, एक आदमी है वो शाइजोफ्रेनिया का पेशेंट है और पीरियोडिकल है, उसको इस वक्त शाइजोफ्रेनिया के पेशेंट आप देखें ना उसकी डिफरेंट काइंड है, उसमें एक काइंड पीरियोडिकल है फिट्स। अभी आप ठीक हो गए, अचानक आपको दौरा पड़ गया, आप आउट ऑफ माइंड हो गए, ठीक हो गई बात क्या नहीं, तो उसको हम उधर डिस्कस करेंगे जाके, ठीक है। एक आदमी अब ठीक है लेकिन उस वक्त वो कहता है चूंकि मुझे दौरे पड़ते थे जब ये वकुआ हुआ, मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में था लिहाजा मैंने ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है, ऑल दो नाउ अंडरस्टैंडिंग। तो वो फिर अलग बात करते हैं, पहले हम इसको पहले मरहले को तय कर ले, क्योंकि पहले मरहले को अगर आप अबूर नहीं करेंगे आप चल नहीं सकते। आपको इनिशियली ये तय करना है पहले मरहले में क्या ये ट्रायल फेस करने की पोजिशन में है कि नहीं। अब इसके लिए आप पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। द मोमेंट दिस ऑब्जेक्शन हैज बीन टेकन, पहले तो ये फेज वन है जिसमें हमारा चैप्टर 34 है, सेक्शन मैंने आपने पढ़ लिए होंगे, और चैप्टर 8 पार्ट ए बी एंड सी वॉल्यूम 3 लाहौर हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर, तीन ये जजमेंट्स हैं जो बेस कर रही हैं सारी मेरी आज की प्रेजेंटेशन के ऊपर, PLD 95 पिशावर 121, 94 SCMR 1415, ये मैं आपको दे दूंगा, बेशक आप ले लीजिए कॉपी, मैंने उस दिन भी कहा था, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 92, इस पे चलेगी। अब मैं आगे चलता हूँ लेके, अब फेज वन में आप एंटर हो गए ये तय करने के लिए कि वेदर ही इज कैपेबल टू मेक डिफेंस एंड व्हेन ही विल बी कैपेबल, व्हेन ही विल बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स। अब इसका स्टेट ऑफ माइंड तय करना है तो उसके लिए अब आपको करना क्या है, गाइडलाइंस क्या है। नंबर वन, पहली बात तो ये, आपने आपके पास एक ऐसी एविडेंस होनी चाहिए आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी जो आपको इस नतीजे में पहुंचा सके कि ये कैपेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपकी पावर्स अनलिमिटेड हैं, यू कैन अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी फॉर योर सेटिस्फैक्शन इन दिस रिगार्ड, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें बड़ी बुनियादी हैं और वो क्या है, जैसे आपके सामने ये हुआ ठीक है आप इसको रेफर कर देंगे मेडिकल बोर्ड को। मेडिकल बोर्ड को क्या रेफर करेंगे, ये राय दे क्या ये शख्स फिट है प्रोसीडिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि नहीं। राइट नाउ, वो नहीं कि उस वक्त पकुए के वक्त क्या हालात है, नहीं, आज जब मेरे सामने है तो आज क्या इस कंडीशन में है कि ये सारी प्रोसीडिंग को अंडरस्टैंड करे, इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अभी प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूँ आपको, आपने उसको मेडिकल बोर्ड को रेफर कर दिया। अब एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ये कोई वो सिंपल MLR नहीं होती, गए और देखा और रिपोर्ट दे दी, नो, ये मेडिकल एग्जामिनेशन कैन बी ऑफ 1 आवर और कैन बी ऑफ 1 ईयर और कैन बी मोर देन दैट, क्योंकि आपने किसी की जहनी हालत तक पहुँचना है। सूरत हाल ये है कि आजकल लोग चीज़ों को ड्रामेटाइज भी करते हैं। मैं नॉर्मली अजय देवगन की फिल्म है, उसका नाम भूल गया, उसका मैं रेफरेंस देता हूँ, आई फॉरगॉट इट्स नेम, जिसमें वो दीवानगी है कोई, मुझे नाम नहीं पता, जिसमें वो ड्रामेटाइज करता है मर्डर करने के बाद एंड ही सक्सीड्स टू डिफीट एंटायर सिस्टम, रिपोर्ट भी आई थी, सारा कुछ होता है। तो इसलिए ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ये कोई ऑर्डिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, जब आप मेडिकल का ऑर्डर कर देते हैं तो फिर आप पे पाबंदी है कि आपने उस डॉक्टर को या बोर्ड के एक मेंबर को एज ए कोर्ट विटनेस एग्जामिन करना है। क्यों? एक तो आपने खुद सेटिस्फाई होना है, नंबर टू दोनों पार्टीज को राइट देना है, राइट ऑफ कंसर्मेशन, ताकि आप इस नतीजे पहुंचने पे आपको आसानी हो। अभी मेडिकल जो है
अगर आप वो स्टडी करें नेट पे जाके ल्यूनेसी के या अनसाउंडनेस के हवाले से, ये मेडिकल जूसपूडेंस को देखें, ये मेडिकल, मैंने कहा आपको कि स्प्रेड करता है टाइम टू टाइम, डे टू डे, मिनट टू मिनट। एक तो आपने एक साइकेट्रिस्ट बैठा है, उसने आपको इंटरव्यू किया, दो घंटे तीन घंटे लाइट्स ऑफ की, आपको इंटरव्यू किया, आई कॉन्टैक्ट चेक किए, सारा कुछ किया, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन है, सो एज टू नो हाउ क्विक हिज, हाउ ही रिस्पॉन्सिस, उसके जवाब में क्या सूरत हाल है, उसके सेंटेंसेस किस किस्म के आ रहे हैं, उसमें बैलेंस एटीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो वो तरीकाकार हो गया, वो अपनी जगह होता है। नंबर टू, उसके डेली परसूट्स को ऑब्जर्व करना, और वो ऐसे नहीं होता कि मैं और आप सामने बैठे हैं ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसको एक कमरे में छोड़ दिया आपने और आप बैठे हैं बिहाइंड द स्क्रीन के, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहा। अब वहाँ बैठ के आप डॉक्टर उसको एक घंटा दो घंटा उसकी जो परसूट्स हैं उसको वॉच कर रहे हैं कि अकेला कैसे बैठ बिहेव कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना बड़ा ड्रामा कर लें, लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना, तो फिर आप उस करेक्टर से बाहर आ जाते हैं, एक टाइम आता ज़रूर है, आप उस करेक्टर से बाहर आ जाते हैं और आप एज ए नॉर्मल बिहेव करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग ये होती है कि अब तो कोई नहीं देखने वाला मुझे, तो वो देखा जाता है। इसके फिर बाकायदा एक हिस्ट्री तैयार होती है, मिनट्स तैयार होते हैं, विच कैन बी ऑफ वन पेज और 100 और 1000 पेजेस। ये पूरी रिपोर्ट बनने के बाद इट इज़ प्रेजेंटेड इन योर कोर्ट। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि वो अब आएगा, डॉक्टरों को आपने एग्जामिन करना है, उस रिपोर्ट को एग्जामिन करना है, विच बिकम्स द पार्ट ऑफ जुडिशियल फाइल, और आगे कहते हैं कोर्ट में टेक इन टू कंसिडरेशन एनी अदर इंडिपेंडेंट फैक्टर। अब ये क्या इंडिपेंडेंट फैक्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि भाई इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या, क्या फैमिली में किस तरह की प्रॉब्लम है, इसके बहन भाई क्या, उनकी कोई प्रॉब्लम है, इसका अगर कोई एजुकेशन रिकॉर्ड है, स्कूल में कभी इसका हुआ, इसकी प्रीवियस कोई हिस्ट्री है, कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, कोई मेडिकल कंसल्टेशन है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ये तय करने के लिए कि आज ये ड्रामा तो नहीं कर रहा, ये वाकई में सूरतयाल ऐसी है कि नहीं है। तो लिहाजा का ना पावर्स अनलिमिटेड हैं आपकी। नेक्स्ट यू सी, मैंने कहा डॉक्टर मस्ट बी एक्सपर्ट ओपिनियन मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। डॉक्टर्स की ओपिनियन इज एन एक्सपर्ट ओपिनियन दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू, तो दिस इज फॉर यू टू सी। आप दोबारा मेडिकल का ऑर्डर कर सकते हो, बट अब उस सारे गेम के अंदर आपका अपना भी एक परसेप्शन होता है, डिवेलप करते हो कि उसको इंटरव्यू करके, सबसे बेस्ट एक्सपर्ट जज खुद होता है, याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं आप हैंडराइटिंग की बात करें तो देर आर दी सेटल प्रिंसिपल्स, कि कोई जरूरत नहीं भेजने की, कोर्ट इट्स सेल्फ चीज़ों को कंपेयर करके एग्जामिन करके राय कायम कर सकती है, ऐसा है कि नहीं है। तो यू आर द बेस्ट एक्सपर्ट एंड यू हैव टू बी एज ए जज। देन यू सी कोर्ट शुड बी कॉन्शियस ऑफ द इंट्रीकेसीज एंड डेलिकेसीज इन्वॉल्व इन आइदर साइड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा ना अगर आप ये बात उसकी मान लेते हैं कि भाई हाँ ये आज प्रोसीडिंग समझने के काबिल नहीं है, तो उसके इफेक्ट्स आगे बहुत खौफनाक आ रहे हैं, जो एक साइड को जस्टिस से महरूम कर सकते हैं, और इस गुनाह जो बंदा गुनाहगार है इस ड्रामेटाइज करके आपने डेलिकेसीज को नहीं देखा, वो बंदा जिसको सजा होनी थी या सजाए मौत होनी थी वो बच गया, या खुदा ना खासदा आप गलत राय दे के उसको प्रोसीड कर लेते, तो एक शख्स जिसको प्रोसीड आप कर नहीं सकते थे आपने प्रोसीड कर लिया, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो इसकी इंट्रीकेसीज और डेलिकेसीज जो है दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए जज टू बी सीन। देन यू सी ऑब्लिगेशन है। अब ये इंक्वायरी आप कर रहे हैं, मैंने कहा ना अब इंक्वायरी क्या होती है, ये इंक्वायरी मैंने कहा एक दिन भी चलती है, एक साल भी चलती है, लेकिन क्वेश्चन ये है इस इंक्वायरी के दौरान जो ट्रायल का स्टेटस है वो क्या होता है। आपके पास तो केस आ गया ना, यू हैव टेकन द कॉग्निजेंस, यू वॉन्ट टू प्रोसीड, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग नई पोजीशन डेवलप हो गई। द मोमेंट यू स्टार्ट द इंक्वायरी ट्रायल इज सस्पेंडेड, हेल्ड इन अबेंस आप कहते हैं उसको, कि अब इसने एक कदम भी आगे नहीं चलना, एक स्टेप भी आगे नहीं चलना, क्योंकि अभी यह तय होना है कि इसका मेंटल स्टेटस क्या है। आपने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, ट्रायल सस्पेंड हो गया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आपने होल्ड कर दिया। एक तो आपने होल्ड कर दिया कि नहीं ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स,
अब जब आपने ये होल्ड कर दिया तो व्हाट यू विल डू, आपका ट्रायल तो सस्पेंड ही रहेगा। द जेंटलमैन शैल बी रेफर्ड टू द कंसर्न्ड क्वार्टर, जो हॉस्पिटल है जो भी है उसका आप ऑर्डर करके फाइल को हेल्ड इन अबेयंस करके उस वक्त तक वो वहाँ पे रहेगा जब तक आप एक नई रिपोर्ट हासिल नहीं कर लेते। पीरियोडिकल रिपोर्ट आप लेंगे हॉस्पिटल से आफ्टर एवरी 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, विच एवर यू फाइंड फिट, सो एज टू फाइंड आउट कि किसी मरहले पे आके ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन गेन तो नहीं कर गए। द मोमेंट ही गेन्स नॉर्मल पोजीशन और यू गिव द फाइंडिंग्स दैट ही इज नॉर्मल एंड फिट टू फेस द ट्रायल, तो ट्रायल रिज्यूम हो गया। रिज्यूम का मतलब यह है कि अब आप एक सेन बंदे के खिलाफ ट्रायल स्टार्ट कर दिया। अब आ गई वो वाली बात जो भाई ने की थी मेरे पीरियोडिकल, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक पीरियोडिकल ल्यूनेसी होती है, अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं आउट ऑफ माइंड हूँ, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिकल फिट्स, पीरियोडिकल ल्यूनेसी। ट्रायल आपने रिज्यूम कर लिया, अभी आपने एक गवाह लिखा था, दोबारा वो बंदा आउट ऑफ माइंड हो गया। होता है कि नहीं होता? ये हमें है ना, जो पागल लोग होते हैं जिन पीरियोडिक आपने देखे होंगे जिंदगी में, अब दोबारा आउट ऑफ माइंड हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब फिर आपको दोबारा उस एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा, दोबारा एक्सपर्ट रिपोर्ट लेनी पड़ेगी और दोबारा ट्रायल सस्पेंड हो जाएगा आपका। वो ये काश वो ये प्ली ले लेता, समझे ना कि जी मैं उस वक्त आउट ऑफ माइंड था। ठीक है, तो अब इसमें जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्यूज मैंने बताया ना, वो तो आप रेफर कर देंगे ना मेडिकल बोर्ड को, ये उनकी मर्जी है। ये तो देखे ना, जेल अगर वो जेल में है तो ही शैल बी नॉर्मली जेल में था, ही शैल बी टेकन टू हॉस्पिटल, देन दिस इज फॉर द बोर्ड कि उसको एडमिट करना है नहीं करना, क्या करना है। यू कैन नॉट, यू आप सिंपली कहेंगे कि जी आपने एग्जामिन करना है, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द पावर्स ऑफ द बोर्ड। अभी भी आम पेशेंट भी दाखिल अस्पताल में होते हैं कि नहीं होते? तो वो जो बोर्ड डायरेक्ट करेगा उसको हमने एग्जामिन करना है, हो सकता है आपसे रिक्वेस्ट करेगी जब हमने 4 महीने रखना है 6 महीने रखना है, तो कोर्ट की इंटरफेरेंस है ही, अदरवाइज ही हैज़ टू बी इन दी हॉस्पिटल फॉर दी अनलेस अनटिल हिज एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटेड। तो इसमें हमारा कोई दखल नहीं है क्योंकि हमें एक रिपोर्ट लेनी। बाद में कह रहा था कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो सकता है ये ट्रायल 100 बार सस्पेंड हो और 100 बार रिज्यूम हो, लेकिन जब रिज्यूम हुआ, जब वो बंदा ठीक था और आपने प्रोसीडिंग्स की, वो दोबारा आउट ऑफ माइंड हो गया, तो वो पहली प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्ट हो गई। अब ये नहीं होगा दोबारा होगा कहीं दोबारा वहाँ से स्टार्ट लें, नो, जो इसकी नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल जो उसका स्टेटस ऑफ माइंड है उसके तहत जो करवाइए दैट इज लीगली प्रोटेक्टेड। बताइए आपको रहा हूँ कि इस इंक्वायरी में इस चीज़ को जितनी बार ये फेजेज आएंगे उतनी बार आपको ट्रायल सस्पेंड करना पड़ेगा, उतनी बार दोबारा रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। बट इन सच केसेस यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि यार ये ट्रायल को डिले करने की ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो जज का अपना रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जज पाबंद नहीं है, ही कैन सी इन चीज़ों को और कहीं हो सकता है वो टर्न डाउन भी कर दे। लेकिन जी इनडिसेंसी, इडियसी, इम्बेसिलिटी, द स्टेट और कंडीशन ऑफ बींग एन इम्बेसाइल मॉडरेट और सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, देन यू सी नॉन कंपोज, ये मैं क्विकली लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे आपको बता रहा हूँ कि कितनी किस्म की मेंटल डिजीज हैं जो इस ल्यूनेसी में आती हैं, अनसाउंडनेस में आती हैं। देन यू सी टेम्परेरी प्रॉक्सिम्स, सडन अटैक, रिकरेंस और इंटेंसिफिकेशन ऑफ ए डिजीज, स्पैम और फिट, ये वो है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिकल इंसैनिटी। जो लोग गांवों में रहते हैं, शहरों में तो इलाज बहुत हो गए, हमने खुद देखा बचपन में, हमारे कई लोगों को देखा, वो लेटे हैं आराम से बैठे हैं बातें करें, अचानक दौरा पड़ा उनको और वो आउट ऑफ माइंड हो गए, और फिर आधा घंटा एक घंटा हो, अब लोग उसके पैर मर रहा है, उसके सर की मालिश कर रहा है, वो पकड़ रहा है, आधा पौना घंटा घंटा उस पोजीशन में रहने के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ गए। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकल इंसैनिटी, ये कंटिन्यू नहीं करती। तो जब 84 का केस आएगा तो आपके लिए बड़ा रेलिवेंट होगा कि केस पीरियोडिकल इंसैनिटी का है या परमानेंट इंसैनिटी का है। देन यू सी
insane delusions, a false belief. इसमें बहुत सारी काइंड शिज़ोफ्रेनिया की हैं, मैं बता रहा हूँ अब, ये जो डिल्यूजन है, दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, फॉल्स बिलीफ. मैं बैठा हूँ उस खाली कमरे में, बट आई एम फीलिंग 1000 persons आर सिटिंग हेयर एंड आई एम एड्रेसिंग दैम, दिस इज द फॉल्स बिलीफ. ये जो आप मैजिक शो देखते हैं टीवी के ऊपर आजकल, वो मैजिक रिवील कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा मैजिशियन है, नाम भूल गया उसका मैं, देखते होंगे आप लोग, वो आजकल वो सीक्रेट्स रिलीव कर रहा है कि मैजिक के सीक्रेट्स क्या हैं, देखते हैं आप लोग, किसी ने देखा है कि नहीं, और वो पता लगता है कितना ज़बरदस्त आंखों का धोखा है. तो वो मैजिक जो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, वो हो नहीं रहा होता जो आपको दिखाया जा रहा होता है, फॉल्स बिलीफ आपके सामने. इसी तरह जिन्नात हैं, मैं नहीं देखा, आपने देखा, लेकिन वो जो बंदा जिसको दौरे पड़ रहे हैं वो देख रहा है. आई कंडक्टेड ए केस इन अटक, वहाँ पे उनकी प्ली यही थी कि जनाब इसको जिन्नात नज़र आते हैं, इसको दौरा पड़ता है, ठीक है, फिर हमें उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड की, इस पर सारी स्टडी की, तो पता लगा यार ये वो हो सकता है आपका मेरा डिसएग्रीमेंट हो कि जिन्नात में कोई यकीन रखता हो कोई ना रखता हो, लेकिन जिस सोसाइटी में, इवन कि यूरोप जैसे कंट्री में आप चले जाएँ, वहाँ भी ये बड़ा कॉन्सेप्ट है. दे बिलीव कि जी स्पिरिचुअल फोर्सेज अपना काम करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं ह्यूमन को, बैड स्पिरिचुअल फोर्सेज, गुड स्पिरिचुअल फोर्सेज, वहाँ पर भी बिलीव है ये. तो फॉल्स बिलीफ होता है ये कि आपको वो कुछ नज़र आ रहा है जो दुनिया में और किसी को नज़र नहीं आ रहा, और उस स्टेट में फिर आपको नहीं पता आप क्या कर. वी हैव द केसेस, मैनी केसेस. देन यू सी सोमनबुलिज्म, वॉकिंग वाइल स्लीप, सोते हुए चलते देखा लोगों को कि नहीं, कभी फिल्मों में देखा होगा, सोते में चलते हैं. मुबारक हो सर. So we have the we have the product here to be presented before the house. Salute you sir. ये है जी सर, हो जाता आपको. आपको होता है इनके साथ, इनके हॉस्टल के कमरे में इनके साथ तो है तो कोई नहीं ना. दुआ खैर करें इनके लिए सारे मिल गए. इस बार तो पूरा हफ्ता हुआ है, चले अब तो 2 दिन रह गए, 3 दिन आपके, बहरहाल चले. तो ये भी वो है इंसैनिटी, स्लीपिंग मैन के अगेंस्ट. एक हमारा केस हुआ पंजाब में, एक पुलिस ने रेड किया, और बाहर डेरे पे एक मुलजम सो रहा था पड़ा चरपाई पे, तो पुलिस ने कहा कि ये क्लाशनकोफ इसने साथ रखी हुई थी, इट वॉज टेकन इन टू पोजेशन, और पर्चा हो गया, नीचे सजा हो गई. देन हाई कोर्ट सेड नो, स्लीपिंग मैन के पास जो पोजेशन है दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए कॉन्शियस पोजेशन. हो सकता है कोई रख गया उठा के एक मिनट के लिए. आप याद रखिएगा, जितने इस किस्म के केसेज में जहाँ पर चोरी की प्रॉपर्टी बरामद होती है, कुछ होता है, याद रखिएगा, यू डोंट हैव टू सी ओनली पोजेशन, you have to see conscious possession. Conscious mean he knew that it was a stolen property, he knew that the gun was, it was a gun which was unlicensed. aap gaadi mein ja rahe hain, aapki diggy se chest nikal aati hai, gaadi pata laga inki hai, sabit ye hota hai janab ke mujhe tumne gaadi di thi yaar, ja ke zara wahan tak pahunchao, main gaadi leke chala gaya. to jab agar ye baat sabit hogi to mera conscious possession sabit nahi hoga, I will be entitled for acquittal. तो स्लीपिंग मैन का भी माइंड जो है दैट इज नेवर कॉल्ड ए कॉन्शियस माइंड, और जो चल रहा है उसका तो वैसे ही अबनॉर्मलिटी बन जाती है. 300 इंसोमेनिया वो स्लीपलेसनेस, वो और चीज़ है, वो भी आगे आ रही है, दैट इज समथिंग एल्स. फ्रेंटिक ह्यूमर एंड इट्स ग्रेविटी, खुशी से पागल हो जाना, सुनते हो जुमला के नहीं सर? आखिरी बार हम अपनी शादी पे या आप कहते हैं यार मेरे सर में इतना शरीर दर्द है, दिल चार में सर फाड़ गया, होता है कि नहीं होता? कोई कॉमन आम आदमी अपना सर फाड़ सकता है मुझे बताएं? बट आपकी वो ग्रेविटी जो सैडनेस की है, तकलीफ की या खुशी की, इस लेवल पहुंच जाती है कि आप कहते हैं मैं कुछ भी कर. तो ये खुशी में पागल हो जाना मुहावरा अपनी जगह है, बट देर आर दी पर्सन, आप देख लीजिए, आप देखें कभी नेट पे जाके देखें,
ठीक है ना, ग्रेविटी ऑफ ह्यूमर, ग्रेविटी ऑफ जॉयनेस, आप देखें जब वो खुशी उसको मिलती है वो बंदा ऐसे अजीबोगरीब। आप कभी देख लें, जानवर की बात करते तो छोड़ें आप, लेट्स टॉक ए डंकी, कभी देखा है लोटपोट होते हुए उसको? कभी नहीं देखा, देख लीजिएगा वाइल्ड एनिमल मूवी पे, जब वो खोता बहुत खुश होता है ना, बड़ा एंजॉय, उसको वो बस उल्टा सीधा दाएं बाएं, वो दिस हैपन्स। तो ये भी अगर ऐसी सूरत हाल है, दिस इज आल्सो वन। देन यू सी, मैं क्विकली चल रहा हूँ, टाइम कम है, मेंटल ट्रेंड काइंड ऑफ शाइजोफ्रेनिया, क्विकली आगे चलते हैं, पीरियोडिक एपिलेप्सी फिट कर दिए, ये डिलीरियम ट्रेमेंस इसको कर दिया, आगे आपको ये इररेजिस्टेबल इम्पल्सिव इंसैनिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इररेजिस्टेबल इम्पल्सिव इंसैनिटी करेक्टराइज बाय एक्शन बेस्ड ऑन सडन डिजायर। एक बंदा है नशे का आदी है, खासतौर पे जो हेरोइन वगैरह पीते हैं, जब इनको हेरोइन नहीं मिलती और इनकी डिमांड बढ़ती है, फिर क्या होता है देखा कभी किसी ने? अपना गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। कैन एनी वन ऑफ यू डू इट दिस? कैन यू से इट्स ए नॉर्मल एक्टिविटी? सो दिस इज व्हेन यू हैव सडन डिजायर कि मुझे चाहिए, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा, यू कैन गो टू एनी अबनॉर्मलिटी। आपने देखा होगा इस किस्म के लोग जो नशाई होते हैं वो अपनी कत्ल तक कर देते हैं ओनली फॉर देयर डिमांड कि हमें आज नशा कर दें, हमें पैसे चाहिए, अपनी माओ के कत्ल किए, हमने केसेस किए हैं आप वीम्स। और जी सर, सर थोड़ा है तो आउट, इससे आउट, लेकिन मुझे लगता है वो भी इसी सेम ही चीज से निकलता है सर, वो किसी उसके लिए इनफैक्ट अपने हिसाब से तो वो नॉर्मेलिटी में जा रहा होता है, उसको जब नशा मिलेगा अपने आप को नॉर्मल फील करेगा। हाँ, ये वाली सेम वाली हालत उस वक्त की होती है सर, यानी व्हेन समबडी, वो दीवानगी वाली जैसे मिसाल दी आपने, इफ समबडी इज इन लव, आप किसी पे फरिश्ता होता है और या किसी दोस्त की भी आदत पड़ जाती है या किसी इंसान की, तो वो भी तो सेम नशे वाली जो मैं देखें सर, डिजायर आप किसी, एक बंदा बड़ा पैसे वाला है, उसके पैसे उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसमें दुनिया में हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, वो इतना मेंटल लेवल उसका ही जाता है और पता लगता है एक दिन कि उसने कुछ चीज़ मांगी और वो नहीं मिली उसको, लोग चले जाते हैं उस तरफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लोग डिप्रेशन में जाके सुसाइड में चले जाते हैं, ये होता है। बहरहाल ये बता रहा हूँ, और दो तीन ख़त्म कर रहा हूँ, ऑब्सेशन, वन ट्रैक माइंड। हम सात 20-25 दोस्त यहाँ बैठे हैं सारे, हम 20 दोस्त बैठे हैं, 19 एक तरफ है, एक बंदा एक तरफ है, वो नहीं मान रहा, वो कहता आप सारे गलत हो, मजनू कह रहे वन ट्रैक माइंड, जो मैं कह रहा हूँ बस वही ठीक है, बाकी सब गलत है। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी आर्गूमेंट, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी थिंग विच यू आर सेइंग कन्वीनियंटली विच इज बेस्ड ऑन एनी कन्विंसिंग रीजंस, नो व्हाट आई से दैट इज राइट, जो माइंड इज राइट कहते हैं आप, वन ट्रैक माइंड कहलाता है, वन ट्रैक माइंड कि मैं अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ, जिद्दी पना। वो सपोर्टर बैठे होंगे इमरान खान के, यार मैं आई टेल यू अबाउट इमरान खान वन थिंग, ही इज रियली वन ट्रैक माइंड, मैं ही टू, अब तो वो वन ट्रैक माइंड हो गया। इमरान खान ये शिकार करने आया था, मेरा जो दोस्त है तलागंग में जिसके रकबे पे इमरान खान जाता है, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, सो ये डायरेक्ट बात आ रहा हूँ, जो मेरा दोस्त आई विटनेस है, इमरान खान के बारे में कुछ नहीं कहता, ये वैसे इंटरनल डिस्कशन है, मुझे सियासत से कोई शौक भी नहीं है। उस जगह इमरान खान में रकबे पे शिकार करने आया, कुछ फॉरनर्स भी थे वहाँ पे, इमरान खान ने एक तीतर को शूट किया बट द फायर डिड नॉट हिट, वो तीतर के जाके बैठ गया। इमरान खान ने कहा मैंने इसी का शिकार करना है, 8 किलोमीटर इमरान खान चला है, 8 किलोमीटर, वो कहता हम लोग पीछे रह गए थक हार के, वैन आफ्टर 8 किलोमीटर वो इवेंट, इमरान खान वहाँ बैठा हुआ एक तीतर उसके हाथ में, तो मार लिया। तो लोगों ने कहा हाउ डू यू नो ही, इट इज द सेम वन विच हैड फ्लू 8 किलोमीटर्स अवे, बीच में इतना। तो इमरान खान की मैं आपको लाइव अपने दोस्त की जबानी जो खुद चश्मदीद गवाह है वो आपको बता रहा हूँ, बहरहाल मैं इसको नहीं कहता वन ट्रैक है कि नहीं, समझे ना, वो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन बहरहाल तो ये कम्युनिटी एक ऐसी है। देन शाइजोफ्रेनिया आ गई है फाइनली, मेंटल डिप्रेशन, तो ये सारी कुछ आगे मैं बता दूं आपको, ये ले लीजिएगा मुझसे आप। तो अगर आपको इन बीमारियों का पता है और ये जानते हैं कि ये हैं स्टेट ऑफ माइंड जो किसी शख्स को इंसैनिटी की डेफिनेशन में ला सकते हैं
अनसाउंड ला सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब आपने उस ट्रायल को लॉजिकली एंड तक कैसे पहुंचाना है जिसमें एक्यूज ने सेक्शन 84 पीपीसी की प्ली ली है। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं ट्रायल के, वेरी क्विकली, ये देखिए। अब आपने अगर एक बंदा कहता है कि मैंने ये किया उस वक्त मैं पागलपन में था, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कोर्ट को देखनी है? एविडेंस तो आ गई, एविडेंस का क्या है? एविडेंस यही बताना ना इसने मारा है, वो तो खुद कह रहा है मैंने मारा है, लिहाजा ये इशू तो रिजॉल्व है ना, ये इशू तो रिजॉल्व है। वो कहते हैं मैंने मारा है, प्रोसिक्यूशन भी कह रही मारा है, इशू ये आ गया कि वो फिट था या अनफिट था उस टाइम। दिस इज द इशू विच यू हैव टू डिसाइड। अगर आप अब उसमें एंटीसीडेंट्स है, सब्सिक्वेंट पास कंडक्ट, आप एविडेंस आपके पास, ये प्लीज उसने ले ली जो आगे चल के बताऊंगा। अब पता लगा है ये तो बंदा बड़ा अच्छा कॉलेज में पढ़ता था, स्टूडेंट था, इसकी फैमिली में कोई इशू नहीं है, इसका इससे पहले कोई इशू नहीं है, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, वो कुएं के बाद गायब हो गया, 6 महीने इश्तारी रहा। अब ये प्रीवियस एंड पोस्ट कॉन्डक्ट जो है ये बड़ा रेलिवेंट होगा आपके लिए इस चीज़ को तय करने के लिए कि ये जो प्ली ले रहा है ये जेन्युइन है कि नहीं। फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन जो मैंने आपको बता दिया, दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। अब क्रूशियल पॉइंट क्या है इसमें, वही एट द टाइम ऑफ अकरेंस ही वॉज लेबरिंग अंडर सच ए डिफेक्ट ऑफ रीजन एज नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट ही वॉज डूइंग और दैट इवन इफ ही न्यू इट वॉज ही डिड नॉट नो इट वॉज आइदर रॉन्ग ऑफ नेचर लॉ। अब इंसैनिटी दो किस्म की आपके जहन में होनी चाहिए, इससे पहले कि फाइनली इसको मैं कंक्लूड करूँ, सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें मेडिकल इंसैनिटी से कोई गर्ज नहीं है, वी आर कंसर्न विद लीगल इंसैनिटी। अब वैसे तो आप राह चलते बंदे को कहते हैं पागल है, पत्थर मार दिया किसी के ऊपर, पत्थर मारना कोई जुर्म नहीं है, आपके ऊपर हंस रहा है, शोर मचा रहा है। लीगल इंसैनिटी मीन्स कि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कानून के अंदर जुर्म है लेकिन उसको नहीं पता है जुर्म है बिकॉज ऑफ इस एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वी आर कंसर्न विद लीगल इंसैनिटी, जिस आपको एकेडमिकली दे रहा हूं। एंड आप देखिए जी, इसमें अब प्रिजम्पशंस आ जाती हैं। आम प्रिजम्पशन क्या है ट्रायल में, एक्यूज्ड इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। नंबर टू, प्राइमरीली प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना है, अगर अपना केस प्रोसिक्यूशन साबित नहीं करती तो फिर आपको जाने की जरूरत नहीं उस तरफ, आप एक्विट कर दें। अब यहाँ प्रिजम्पशन क्या है, पहली बात ये, एवरी पर्सन शैल बी प्रिज्यूम टू बी सेन टिल प्रूव्ड अदरवाइज। ट्रायल शुरू किया आपने, उसको सेन तसव्वुर करना है 84 की रोशनी में, 84 का बेनिफिट मांग रहे हैं ना, आपने समझा आप एक सेन तसव्वुर करना है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज कोर्ट शैल रिगार्ड द एब्सेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज प्रूव्ड अनलेस एंड अंटिल इट इज डिसप्रूव्ड। देन यू सी एक ही बात है, अनप्रूव्ड डिसप्रूव्ड एक ही बात, अनप्रूव्ड होता है जो ऑलरेडी आपके पास एक चीज आ गई लेकिन साबित एब इनिशियो इनिशियली दैट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, बट एक चीज़ है कि आपके पास आ गई है, उसको थ्रैश करके उसको किसी दूसरी एविडेंस से आपने होल्ड करना है कि नहीं ये चीज़ आई थी लेकिन इस एविडेंस को इसको डिसप्रूव कर दे। अब ओनस किस पे आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उधर ओनस प्रोसिक्यूशन पे है, इधर ओनस एक्यूज पे है। अब खाली वो ओनस नहीं है कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी वाले का, इट कैन बी डिस्चार्ज बाय एड्यूसिंग कोजेंट एंड कंक्रीट एविडेंस। अगर एक्यूज ये प्ली ले रहा है कि जनाब मैं उस वक्त इस हालत में था, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, तब उसको प्रामा फिशाई या टेंटेटिव एविडेंस नहीं दिखानी, कन्विंसिंग एंड कोजेंट कंक्रीट एविडेंस दिखानी है रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द एक्यूज बिफोर आफ्टर द कमीशन ऑफेंस। और जब वो दिखा देगा देन यू हैव टू सी। अब मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ इसको, कि इस केस में जजमेंट बहुत आसान भी होती है बहुत मुश्किल भी होती है। आसान किस लिहाज से, एक बात है कि ऑफेंस तो हुआ, नॉर्मली तो हमें डिटरमिन करना पड़ता है ना, तो लिहाजा वो अब पोर्शन तो बड़ा क्लियर हो गया। आप सिंपल आएंगे जी कि जनाब डिफेंस पर्सन और प्रोसिक्यूशन स्टोरी में एक बात होता है कि बंदा मारा है और बंदा इसी ने मारा है। अब सवाल यह है कि क्या इट वॉज एन इंटेंशनल मर्डर या इंटेंशनल ऑफेंस वट एवर इट इज, या इसने उस बुनियाद पे किया। तो अब जब इसकी बात करते हैं तो फौरन ओनस आ जाएगा उसके एक्यूज साइड।
वो एविडेंस जो भी आपके सामने आ रही है, मैं आपको एक जजमेंट दूंगा। मैं यार कल जरा उससे मुझे शाम को क्या नाम है नहीं तुम यार मेरे इस्लामाबाद वाले यार साकिब साकिब मुझसे ना या तो शाम को व्हाट्सएप पे ले लेना, इनको दे देना कॉपी जजमेंट की, ठीक है ना। वो मैंने एक बड़ी मेरे से जजमेंट लिखी थी, आपकी लेटर भी दिखाता हूँ अगर टाइम मुझे मिल जाता है, कि जिससे आपको कैसे पता लगता है ये रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्ली आ रही है, बाकी आपको कैसे पता लगता है। मतलब मैं केस कर रहा था तो दैट वॉज द प्ली ऑफ पीरियोडिक कल्फिस था, सरगोधा का बड़ा फेमस केस था वो, उसमें एक डीएसपी को मारा था, गोली मारी थी, एक सब इंस्पेक्टर को मारी थी। अब टाइम का मैं उस स्टोरी बाद में बताऊंगा, कॉपी आपको दे दूंगा उसका। मैं मूड एक्यूज का और कंडक्ट ड्यूरिंग द एंटायर ट्रायल यहां पे नोट कर रहा था, नॉट इन द ऑर्डर शीट। अब ये जज का विजडम है ना कि कैसे बिहेव कर रहा है इस प्रोसीडिंग के दौरान, क्या उसके एक्शन। कई दफा मैंने महसूस किया, क्योंकि पीरियोडिकल था वो, कई दफा मैंने महसूस किया इतना इंपॉर्टेंट गवाह चल रहा है और वो बंदा बैठा हुआ है, वो कभी इधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है, जैसे लगता है उसको ट्रायल से कोई कंसर्न नहीं है। अब ये मेरा साइलेंट कंसीवमेंट थी, नॉट ऑन द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे आता तो लोग कॉन्शियस हो जाते, जिसको मैंने जजमेंट में फिर लिखा कि ये बाकी बात है अपनी जगह, लेकिन इस ट्रायल को मैंने बड़ा कॉन्स्टेंटली इस बंदे को मैंने ऑब्जर्व किया और ये मेरी ऑब्जर्वेशन आई। तो उसमें ये सूरत हाल थी। अब आप जिस बीमारी जो प्ली आपके पास ली जा रही है, पहले तो आपको उसके बारे में स्टडी होनी चाहिए। ये तो स्टडी मैंने इतनी डीपली आपको नहीं बताई, और उसका बेस्ट वे ये है कि आप जब भी कोई इस तरह का केस कभी आएगा, बहुत कम आएगा, उसको पहले स्टडी कर लें कि जो डिजीज़ ये टेकअप कर रहा है इसके सिम्टम्स क्या हैं, सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। वो आपको नेट से आजकल हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है। अब आपने वो जो डिजीज़ के सिम्टम्स और जो उसकी इंडिकेशन हैं उनको आपने कोरिलेट करना है उस सर्कमस्टांसिस जो आपके सामने हुए। मतलब शाइजोफ्रेनिया, मैंने कहा ना कि डिल्यूजन्स, फॉल्स बिलीफ, ठीक है। जब मैं उसका केस कर रहा था, उसका नाम सिकंदर था, वो उसका सिंपली वाकयात ये थे कि एक बंदा पुलिस को रिपोर्ट होती है, एक बंदा अचानक बाजार में आ गया, एक हाथ में पिस्टल है उसके, दोनों हाथों में पिस्टल था कालबन, और सुल्तान राय की तरह फिर रहा है। यस नो एनमिटी, उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई मोटिव, डबल एम ए। अचानक पुलिस आती है, पुलिस को देख के फायरिंग शुरू कर देता है, कोई पुलिस एनमिटी नहीं उसकी, एक घर में शेल्टर ले लेता है, वहाँ से फायरिंग करता रहता है, ऑल ऑफ ए सडन हथियार फेंक के पुलिस के सामने सेंडर कर जाते हैं। ये टोटल वाकया आते, इसमें डीएसपी भी जख्मी हुआ सारा। अब जब हमने शाइजोफ्रेनिया का स्टडी करना शुरू किया, आप यकीन माने उसके सिम्टम्स, ये डिल्यूजन्स, ये बिलीव, ये सारी जुमले, तो हमने एक एक जुमले को उठाया और एक एक फैक्ट को रिलेट किया, तो पता ये लगा ये जो सिम्टम्स होते हैं ये इस केस में नजर आ रहे हैं। कि एक बंदा जिसकी पूरे इलाके में कोई दुश्मनी नहीं, बहुत, फिर एक लेटर मेरे पास आ गया जो मैं दिखाता हूँ आपको ख़त्म करने से पहले। फाइनली तो आप लेटर अगर आप पढ़ेंगे ना, आप खुद कहेंगे बंदा पागल है, जो डायरेक्टली मुझे आया कोर्ट में, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा हूँ कि 84 में आप ही सारा कुछ करके यू हैव टू सी केस टू केस, इसकी जजमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। पहली बात तो जजमेंट में ये तय करना है आपने कि ये मारा किसने, ठीक है, ये आपको इनिशियली तय करना है। अगर डेफिनेटली मारा उसने, और ब्रीफली बताऊंगा कि जब जजमेंट में आप इसको रिलीज़ करने का ऑर्डर करते हैं, क्योंकि 84 का बेनिफिट आप इसको दे रहे होते हैं, आम हालात में आप रिलीज़ करते हैं तो रोपकार पे लिख के भेज देते हैं कि ये रिहा हो, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे आप बकायदा रिहा करने का लिखेंगे कि इसकी कस्टडी किस बंदे के हवाले होनी है, कस्टोडियन कोई, और उस बंदे के हवाले होगी नहीं होगी। और अगर कस्टोडियन नहीं आ रहा, then he shall not be released, despite that law says he is to be released acquitted. फिर आप कहेंगे इसको किसी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए, वहाँ इसका ट्रीटमेंट हो, और उसके बाद उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। वो लेटर आपको दिखाता हूँ, then I finish, क्योंकि जी सर वो मैंने एक्विट किया था जी। ये देखिए जी, अब ये लेटर आया,
हमारी कोर्ट में, ये उस मुल्ज़िम का नाम शुएब था सर। अलवी भाई एक एक लफ्ज़ सुनिएगा गौर से। पहले एक लतीफ़ा, अभी जज को लिख लिया लेटर, पहले एक लतीफ़ा हदिया बसारत करता हूँ, ये डबल एम ए बंदा है। हमारे एक दोस्त के ताया के घर डाकू घुस आए, ताया की मिसिस जो कि इस्लामाबाद के समझदार लोगों में गिनी जाती थी ने कहा हमारे पास तो कुछ ना है, यही चंद हज़ार रुपये हैं वगैरह। ताया जान जो कि तमाम कार्रवाई मुलाहजा फरमा रहे थे ने झट डाकुओं से कहा बच्चों ये बुढ़िया झूठी है, तुम इसकी बातों में ना आना, इसने बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है। सर आपकी मजबूरियों को समझ सकता हूँ, लेकिन अली ने यह भी रोशन फरमान के ज़रिए कहा कि इंसाफ़ में ताखिर भी इंसाफ ना इंसाफ़ी है, मुझे किसी अस्पताल में जाने का शौक ना है, बस ठीक। ये जजें आपके सामने ये लेटर आता है, अगर याद है एक दुनिया में एक्सपर्टी ऐसी भी तहरीरें देख के लोगों के माइंड के बारे में बताते हैं कि क्या बंदा है, क्या सूरत हाल है। आजकल टेररिज्म बड़ा हो रहा है ना, हमें थ्रेट लेटर मुझे भी आया पिंडी में, वो थ्रेट लेटर से देख के पुलिस वाले एक्सपर्ट होते बताते हैं कि थ्रेट लेटर में कितना वर्थ है, उन लाइनों से, उन जुमलों से, उन चीज़ों से। तो ये इसलिए जब भी आपका कभी ट्रायल हो इसका, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, यू हैव टू सी ऑल दी अटेंडिंग सर्कमस्टांसिस बिसाइड्स मेडिकल रिपोर्ट्स, दी फैमिली हिस्ट्री, वट एवर इट इज। सो दिस इज द एंड राइट एट 1:30 PM एंड थैंक यू वेरी मच। जजमेंट में कल आपको भिजवा दूंगा, ये साकिब जो है आपको कर ले।